जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। दोस्तों चंद लाइनें उन हिंदुस्तान प्रेमियों के लिए जो अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों जब मेरी आंख खुले धरती हिंदुस्तान की हो, जब मेरी आंख खुले धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख हो मेरी बंद तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी जाऊं तो गम नहीं, पर मरते दम धरती हिंदुस्तान की हो। आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के मन में यह भावना है मेरे को पंजे पे दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए, या पंजे पे किस प्रकार दौड़ा जाए, या कब आपको पंजे पे दौड़ना है। इस वीडियो के टॉपिक के साथ मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, बेहतर तरीके से वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा किस प्रकार से आपको पंजे पे दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए। सबसे पहली बात, पंजे पे दौड़ रहे दोस्तों, पंजे पे दौड़ना कोई आसान काम नहीं है। पंजे पे दौड़ा जाता है तो शॉर्ट रनिंग होती है, शॉर्ट रनिंग या 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, 400 मीटर स्प्रिंट तक आप पंजे पे दौड़े बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप रनिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आप अगर पंजे पे दौड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लो पंजे के ऊपर मैं दौड़ने जा रहा हूं, अभी पंजे पे दौड़ने जा रहा हूं, किस प्रकार देख लीजिए, मैंने पंजे के ऊपर मान लो यहां से रनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने एक पंजा लगा। पंजा लगाने के बाद में क्या होता है, जब आपका वेट पंजे के ऊपर पड़ता है, पंजे के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, आपको ये काप मसल्स के ऊपर पूरा आपका वेट आता है, काप मसल्स के ऊपर वेट आएगा, साथ ही आपके सामने की जो हड्डी है इसके ऊपर सिन पेन वाली जो समस्या होती है इसके अंदर आपके गठाने पड़ना शुरू हो जाएगी और सिन पेन का दर्द स्टार्ट हो जाएगा अगर इस तरीके से रनिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप पंजे पर रनिंग नहीं करते और अगर आप फ्लैट पर रनिंग करते तो आपको ये समस्या नहीं होगी। मान लो मैंने रनिंग के लिए पैर निकाला और मैंने पूरा पैर लगाया तो वेट पूरे पैर के ऊपर आया तो फिर आपका पैर पूरा वेट जजब कर लेगा, आसानी के साथ आपका पैर वेट को जजब कर लेगा और आपको ये परेशानी नहीं आएगी। अब कब दौड़ना है आपको पंजे पे और कब नहीं दौड़ना है, अभी आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 किलोमीटर दौड़ना, 2.5 किलोमीटर तक दौड़ना, तो आप पंजे पे ना दौड़। पंजे पे कब दौड़ना है आपको, पंजे पे दौड़ने के लिए आपको लास्ट का जो स्प्रिंट होता है, जैसे मान लो 1600 मीटर में लास्ट का जो स्प्रिंट मारते हैं 400 मीटर का, या आप 2.5 किलोमीटर दौड़ रहे तो लास्ट का 500 मीटर आप पंजे पे दौड़ने की प्रैक्टिस करें। उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपने शुरू से फ्लैट पैर पे दौड़ा दौड़ते रहे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप 500 मीटर का दौड़ने के लिए जा रहे हो तो आपका बॉडी बढ़िया तरीके से वार्म अप हो जाता है, आपके पैर बढ़िया तरीके से वार्म अप हो जाते हैं और नसें पूरी बेहतर तरीके से वार्म अप या गर्म हो जाती है, तो आपको पंजे पे लास्ट के 400 मीटर या 500 मीटर में दिक्कत नहीं आएगी। और अपने को लास्ट का फिनिशिंग में ही ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो आप उस जगह पंजे का इस्तेमाल करिए रनिंग में, आपका रनिंग बेहतर टाइम होगा और आपके पैरों की दर्द की समस्या और पंजे पे दौड़ने वाली समस्या जो जितने भी मन में डाउट है, कोई बोलता है पंजे पे दौड़ो, दोस्त मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि 16 साल से यही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है किसको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेट फ्रैक्चर हो सकता है अगर आप पंजे पे रनिंग पूरी करेंगे, आप 2.5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अगर पूरा पंजे पे दौड़े तो 110% आपका काप मसल में दर्द होगा, आपका सिन पिन का प्रॉब्लम होगा और साथ ही आपके मौत की प्रॉब्लम भी आ सकती है और स्ट्रेट फ्रैक्चर, ये सारी चीजें हो सकती है 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। और ये रिजल्ट अगर आप पंजे पे नहीं दौड़ेंगे तो और भी बेहतर आपका रनिंग का टाइमिंग आएगा, अगर मैंने बताया इस तरीके से। आप भर्ती की रनिंग में जाए, लास्ट का 400 मीटर स्प्रिंट पंजे पे मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले आप प्रैक्टिस में शामिल करिए, पंजे पे दौड़ने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करिए, गलत तरीका है दौड़ने का। खास करके आप अगर रोड पर रनिंग कर रहे हैं तो पंजे पे कतई ना दौड़े, खास करके अगर रोड पर रनिंग कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए पंजे पे दौड़ना। आप रोड पर दौड़े फ्लैट पर दौड़िए, अगर आपको नहीं मिल रहा जगह, पहली बात तो रोड पर दौड़ना बहुत ही खराब चीज है, मैं तो कहता हूं अगर कोई भी रेसर या कोई भी रनर है तैयारी कर रहा है बिल्कुल पंजे पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रोड पर दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप 100% आप कच्चा सड़क ले लीजिए, रोड के बगल में छोटी छोटी क्यारी बनी है उसके ऊपर दौड़ लीजिए, खेतों की मेड़ों पे दौड़ लीजिए, लेकिन रोड का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों कोई बात नहीं, आपके पास ट्रैक नहीं है, आप बोलते ट्रैक नहीं है, आप 200 मीटर का भी ट्रैक मिल रहा है उसका 4 चक्कर काट लीजिए, 10 चक्कर काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आप रोड पर रनिंग ना करें, नहीं तो ये समस्या है, बहुत सारे धावकों को आती है और बोलते रहते हैं सर हमारे को पैर में दर्द है, बहुत लोगों का पैर में दर्द की शिकायत आती है। अगर आपको पैर में दर्द है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, उस लिंक के जरिए आप मेरा वीडियो मिल जाएगा, उससे आप पैरों का दर्द या सिन पेन की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।